नमस्कार दोस्तों, तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी मार्केट में परसों के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक वीडियो आज देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 16 तारीख को, तो 17 का हमारा मार्केट ऑफ रहेगा, हॉलीडे रहेगा, और 18 को हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाला है, और उस दिन है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी हमने कैसे प्लान करनी है, कैसे प्लान नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में डीप लेवल से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। यहां पे आपको मार्केट के साथ साथ आपको यहां पे एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिनकी मदद से आप सीख लोगे और आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी बना लोगे। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में। आप लोगों ने लाइक करना है अगर आज की मार्केट ने आपका भी दिल तोड़ा है। मेरा तो आज की मार्केट ने बड़ा दिल तोड़ा है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाएगा, बट हमारा मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया, बड़े ही गंदे तरीके साइडवेज गया, कोई मोमेंटम नहीं आया। हो सकता है कि वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाए बाकी के नॉर्मल वीडियो से, क्योंकि मैं यहाँ पे डीप में एनालिसिस करूंगा। कल के लिए वीकेंड, तो आप ये वीडियो आसानी से देख सकते हो। गाइस आजकल चल क्या रहा है हमारा मार्केट यहाँ पे, देखो हमारी वन डे के टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज को फॉलो कर रहा है, ना इसको ब्रेक ऊपर कर पा रहा है, ना इसको ब्रेक के नीचे कर पा रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाकर दिखाऊं, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो, अगर मैं स्केल लगा भी देता हूँ, तो हमारा मार्केट सिर्फ यहाँ पे 700 से 800 पॉइंट के बीच में यहाँ पे रैली कर रहा है। कम से कम बता रहा हूँ यहाँ पे एक कैंडल हमारी एक दिन की है। यहाँ पे देखो कि भैया 5 तारीख से लेकर आज हमारी होगी है जी 16 तारीख, यानी कि 10 से 12 दिन से हमारा मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो मार्केट में होने वाला है। अब हमारी मार्केट ने यहाँ पे एक बना दी रेंज। अब ये रेंज हमारे लिए किस प्रकार से काम आएगी? अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट जब एकदम ऊपरले मोमेंटम में जा रहा होता है, किसी भी ट्रेंड में हो रहा होता है, तो वो वहां पर रुकता है। रुकने के बाद यहां से अपने इस ट्रेंड को दोबारा कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं कि हमारी मार्केट में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां से चेक करते हैं कि भाई परसों के लिए हमारी इंट्राडे में क्या प्लानिंग होना चाहिए। आप सब लोग जानते होंगे कि 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो ये हमारी आज की मार्केट है। आज की मार्केट ने मुझे कोई खास यहाँ पे खुश करा नहीं है। यहाँ मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ मार्केट क्लोज हुई है, कोई बड़े मोमेंटम मार्केट में आए नहीं है। एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा दूँ, तो हमारी जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक अब एक ट्रेंड लाइन फॉलो करने लग चुकी है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन आप इसको मार्क करके रखो, फ्राइडे के लिए आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम में आने वाली है। और उसके बाद हमारी बैंक निफ्टी यहाँ से ये वाला पैटर्न फॉलो कर रही है। तो अब हमारी बैंक निफ्टी यहाँ पे सिंपल तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रही है। सिंपल सी थ्योरी, इस पैटर्न को हमें ट्रेड कैसे करना है? अगर हमारा मार्केट परसों के दिन आके यहाँ पे 419 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बाइंग प्लान करोगे। 520 का लेवल आपका यहाँ पहला टारगेट बनेगा, उसके बाद आपने यहाँ पे 640 के लेवल को टारगेट में लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन खाए हैं। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ बन रहा है। इसके बाद अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 360 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है, पुट एंट्री प्लान करनी है। पहला टारगेट आपका यहाँ बनेगा 240 का लेवल, दूसरा आपका बनेगा 200 का लेवल, और 200 का लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 100 का लेवल हमारा यहाँ पे टारगेट बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अब इफ एनी केस, अगर हमारी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन देखने के लिए मिलते हैं, अगर हमारी मार्केट में गैप अप होता है यहां पे, तो थोड़ा आपने वेट करना पड़ेगा। आप समझ जाओगे कि आपके इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट जब नीचे आएगा तो आपने यहाँ रीटेस्ट पे लेके यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के एंट्री प्लान करनी है। हमारा मार्केट फिर यहाँ से ऊपर के मोमेंटम के लिए जरूर जाएगा। और अगर हमारी मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ, तो तब भी मानो कि हमारे इस पैटर्न का यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है, तो फिर यहाँ ओपन होने के साथ हमारा मार्केट यहाँ से नेगेटिव होकर नीचे की साइड जाएगा। बस एक बार यहाँ से गैप को फिल करने का प्रॉपर तरीके से ट्राई करेगा, तो आप उस गैप फिलिंग को यहाँ पे प्लान करके बैठ सकते हो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों ने लाइक करना है और आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट करना है। रिसेंट में हमारा मार्केट जो पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, वो ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका ब्रेकआउट रियल में तब होगा जब इस लाइन का ब्रेकआउट होगा। वो आज नहीं होने वाला, वो कल ही होगा। तो यहां से जब ये ब्रेकआउट होगा, तो हमारा बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छी सी रैली ऊपर की साइड कन्वर्ट कर सकती है, जो कि मुझे यहाँ पे एनालिसिस कह रहे हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, यहाँ पे एनालिसिस जो कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी इंडेक्स है, क्योंकि इसका एक्सपायरी है, तो देखने के लिए हमारे काफी अच्छा इंडेक्स ये है। यहाँ से मैं सब कुछ हटा देता हूँ, तो अगर आप लोग इस चीज देखोगे, कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी हमारा थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की साइड मूव कर रहा है ना। दो दिन वेट करता है फिर निकल जाता है, वेट करता है निकल जाता है। लगातार हमारी निफ्टी में यहाँ पे दो एक तरीके कैंडल हमको देखने के लिए मिल रही है, यानी कि यहाँ पे बायर भी ट्राई कर रहा है, सेलर भी ट्राई कर रहा है, बट अभी भी यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड नहीं है कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे आना है। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इसको बिल्कुल बेस्ट तरीके से हम यहाँ पे इसका एनालिसिस करेंगे, और जीरो टू हीरो की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करो। वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही बड़े जैकपॉट बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे निफ्टी ने एक बेस बनाया है, काफी अच्छा यहाँ बेस बनाया है, और एक निफ्टी का लेवल मैं दे रहा हूँ आपको निकाल के, ये वाला पॉइंट।
बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। अगर हमारा निफ्टी यहां से इस वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है तो आप यहां से बाइंग करोगे, ये वाले जोन हमारे यहां पे टारगेट बनेंगे 660 का लेवल। अगर निफ्टी इस वाले जोन को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलती है तो निफ्टी हमारा गिरेगा तो 580 इसको जाने नहीं देगा। अगर इस ये यहां से चला जाता है तो फिर निफ्टी हमारा यहां पे 500 का लेवल को जाकर नीचे की साइड अप्रोच करेगा। ये मैं तब कह रहा हूं अगर हमारा मार्केट इस वाले सपोर्ट से ऊपर और इस वाले रेजिस्टेंस से नीचे ओपन होता है, यानी कि इस रेंज में ओपन होता है तो हमने ये काम करना है। बाकी हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी मार्केट में डायरेक्टली गैप अप ओपन हो रहा है तो हमारा यहाँ पे नया मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है तो फिर मार्केट गैप को फिल करने के लिए आएगा, आप लोग इस गैप फिलिंग पे ध्यान दोगे। मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मार्केट फिलहाल हमारा यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना के नीचे की साइड आया है, यानी कि डबल टॉप बना के आया है, तो हो सकता है कि फिर मार्केट यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड को कंटिन्यू करे। जीरो टू हीरो आपका बेस्ट ये रहेगा कि मार्केट हमारा इसी रेंज में घूमता रहे और 12-1 बजे के बाद इसका ब्रेकआउट दे मोमेंटम बढ़िया आएगा और इसका ब्रेकडाउन दे मोमेंटम बढ़िया आएगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। और हाँ, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वो मेरा एक नया चैनल है जहां पे मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करूंगा, तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर कर भी रहे हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको वहां पर सिर्फ ओनली फॉर ओनली स्विंग ट्रेडिंग, और आपको वहां पर कुछ नया नहीं मिलेगा, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग, ओनली स्विंग ट्रेडिंग, ओके।